हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का पहला टॉपिक है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर सीरीज में हम जो टाइप्स ऑफ इक्वेशंस से डील करेंगे वो है इक्वेशंस वेयर वेरिएबल्स आर सेपरेबल। इसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द होमोजीनियस इक्वेशंस, देन लीनियर इक्वेशंस, देन एग्जैक्ट इक्वेशंस, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट इसका, दैट इज इक्वेशंस वेयर वेरिएबल्स आर सेपरेबल, और वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं वेरिएबल सेपरेबल के जनरल फॉर्म से। सो जैसा कि हमें नाम से ही समझ आ रहा है वेरिएबल सेपरेबल, तो वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। ऐसा इक्वेशंस जहां पे आप वेरिएबल्स को इजिली सेपरेट कर सकते हैं उसे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू फाई एक्स डी एक्स। अब ये जो फंक्शन हुआ इसमें केवल y वेरिएबल रहेगा, x नहीं रहेगा, और ये वाले फंक्शन में केवल और केवल x वेरिएबल रहेगा, y नहीं रहेगा। और जैसे ही आप इक्वेशन को इस फॉर्म में सेपरेट कर लेंगे उसके बाद आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड को इंटीग्रेट करके हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स डी एक्स और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी। इसी मेथड से हम कोशिश करते हैं कि कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर लेकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम जो कंसिडर कर रहे हैं दैट इज क्वेश्चन वन, सॉल्व डी वाई बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ 3x माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2y, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चीज हमें जो करना है वो है वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, ठीक है। जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा हमें एफ आई और फाई एक्स क्रिएट करना है, तो इसको हम सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो वी कैन राइट इट एज डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 3x मल्टीप्लाई ई टू द पावर माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2y। अब यहां से e टू द पावर माइनस 2y को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर इनसाइड, और यहां है dy by dx। अब मुझे इजीली दिख रहा है कि ये वाला जो टर्म है दैट इज y के फॉर्म में केवल, और ये जो अंदर ब्रैकेट में लिखा है वो केवल x के फॉर्म में है, तो हम यहां से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। सो dy अपॉन e टू द पावर माइनस 2y इज इक्वल टू e पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। ये वाला टर्म अगर ऊपर जाएगा तो इट विल बी ई टू द पावर 2y डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हमारा वेरिएबल सेपरेबल का जनरल फॉर्म आ चुका है। ये हमारा एफ वाई है जो केवल y के टर्म में है, ये फाई एक्स है जो केवल x के टर्म में है। अब हम इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों साइड। ऑन इंटीग्रेटिंग हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x प्लस x स्क्वायर इंटू dx प्लस c, ठीक है। तो यहां पर आएगा e टू द पावर 2y अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2y इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e टू द पावर 3x अपॉन 3 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये जो टर्म्स है इनको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे, सो दैट इज ई टू द पावर 2y बाय 2 माइनस ई टू द पावर 3x बाय 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू सी, फाइन। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, फाइन। आप चाहे तो एलसीएम भी ले सकते हैं यहां से और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक मेथड है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड।
ठीक है, हम दो और क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं जिसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल इससे ज्यादा होगी, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे फर्स्ट जनरल फॉर्म प्रिपेयर कर रहे हैं एंड देन उसको इंटीग्रेट करके आंसर निकाल रहे हैं. नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब यहां से हम चालू करते हैं वेरिएबल्स को सेपरेट करना क्योंकि पहला स्टेप हमारा वही है. ठीक है, यहां से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं और वन माइनस वाई ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन लिया जाए तो वन प्लस एक्स इन साइड आ जाएगा दैट इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब एक्स और वाई को सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, तो इस टर्म को मैं यही रख रहा हूँ एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई डी वाई बाय डी एक्स और ये वाला पूरा टर्म यहाँ चला जाएगा वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स माइनस में. ठीक है, अब यहाँ से हम इजिली एक्स और वाई को सेपरेट कर सकते हैं. ये वाई स्क्वायर दिस वाई स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ और ये एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड डी एक्स को भी राइट हैंड साइड. ये हो जाएगा वन माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर. नेगेटिव साइन मैंने राइट हैंड साइड ही रहने दिया है. डी वाई इक्वल टू वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एंड वी हैव अ नेगेटिव साइन और यहाँ आ जाएगा डी एक्स. अब हमें दिख रहा है यहाँ जो फंक्शन एफ वाई है वो केवल वाई के टर्म्स में है और यहाँ पे जो फंक्शन फाई एक्स है वो केवल एक्स के टर्म्स में है. ठीक है, तो क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं सेपरेट, अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल जाएगा वन अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई डी वाई कुछ इस तरीके से इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स. ठीक है, और इसको हमको इंटीग्रेट कर लेना है और यहां पर आ जाएगा प्लस सी. ओके, सो दिस कैन बी इंटीग्रेशन ऑफ वाई टू द पावर माइनस टू माइनस वन बाय वाई डी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस वन बाय एक्स डी एक्स प्लस सी. ठीक है, वाई टू द पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वन बाय वाई और उसके बाद ये है माइनस वन बाय वाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग वाई दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टू द पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन माइनस वन बाय एक्स और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स और आखिरी में प्लस सी ऐड कर लेंगे. ठीक है, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बाय वाई माइनस लॉग वाई इक्वल टू प्लस 1 बाय एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस सी. तो 1 बाय एक्स और लॉग एक्स को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं. सो ये कुछ ऐसा आ जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग वाई माइनस वन बाय एक्स माइनस वन बाय वाई इज इक्वल टू सी. लॉग एक्स माइनस लॉग वाई अगर लॉगरिथम के लॉज लगाते हैं तो ये मिल जाएगा लॉग ऑफ एक्स बाय वाई माइनस वन बाय एक्स माइनस वन बाय वाई इक्वल टू सी और ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा. धीरे धीरे ये चीजें ईजी लगेंगी. अगर आपका इंटीग्रेशन फॉर्मूला बेस स्ट्रांग नहीं है तो प्लीज पहले आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, तभी आपको इंटीग्रेशन इजी लगेगा. ठीक है, ये हमको डिफरेंशियल इक्वेशन समझना है. इसमें हम अगर इंटीग्रेशन समझने जाएंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को नहीं समझ पाएंगे. तो पहले आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड देन यू कैन कम टू दिस टॉपिक टू अंडरस्टैंड इट बेटर. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर थ्री. Let us solve sec square x 10 y dx plus sec square y 10 x dy equal to 0. ठीक है, अब सबसे पहला काम वही हमारा कि हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे. तो x वाला जो dx वाला टर्म है मैं उसको राइट हैंड साइड ले जा लेता हूँ. दैट इज
sec square y 10x dy equal to minus of sec square x 10y dx. ठीक है, अब ये जो 10x वाले टर्म है इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, 10y वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो आ जाएगा sec square y अपॉन 10y dy equal to minus sec square x upon 10x dx. ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि ये जो फंक्शन fy है ये केवल y के टर्म में है और ये वाला फंक्शन phi x केवल x के टर्म में. ठीक है, तो अब हम सीधा इंटीग्रेट कर लेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. दोनों साइड को जब इंटीग्रेट करेंगे सो इंटीग्रेशन ऑफ sec square y upon 10y dy is equal to minus integration of sec square x upon 10x dx plus c, constant of integration. अब इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि मुझे दिख रहा है कि 10y का डिफरेंशिएशन sec square y होता है, तो हम 10y को t एज्यूम कर लेंगे और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा sec square y dy is equal to dt. ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं हम. ओके, सो अब इसको रिप्लेस करते हैं और वैसे ही राइट साइड भी हम 10x को कोई दूसरा वेरिएबल u मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा sec square x dx is equal to du. ठीक है, ओके, सो जब ये चीजें हम रिप्लेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt by t is equal to minus integration of du by u plus c. तो यहां से सिंपल आ जाएगा log t is equal to minus log u plus c. log u को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, सो दिस इज log t plus log u is equal to c. लॉगरिथम के लॉज लगा लेंगे तो log t into u is equal to c आ जाएगा. फाइन, एंड फाइनल हमें यहां पर मिल जाएगा log of t की वैल्यू थी 10y एंड u की वैल्यू थी 10x एंड दैट इज इक्वल टू c. इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, log को हटा सकते हैं, 10x इज इक्वल टू e पावर c, या आप c की जगह भी log ले सकते थे, log c, वहां से भी ये चीजें सॉल्व हो जाती. और e टू द पावर c कोई एक और कांस्टेंट होगा, सो वी कैन राइट 10y 10x is equal to c dash. C dash कोई और कांस्टेंट है. ठीक है, सो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया. दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ठीक है, तो मैंने इन तीन क्वेश्चंस में ट्राई किया है कि डिफिकल्ट ट्रिग्नोमेट्री वाला और इजी क्वेश्चन लेके आपको एक्सप्लेन करूं कि हाउ वेरिएबल सेपरेबल मेथड इज अप्लाइड. ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी. अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा. मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी ऑन होमोजीनियस इक्वेशन. ठीक है, जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन था. ठीक है, ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स नीडी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन.